चुरा के लाए सामने चॉकलेट दे रहे बेटा। स्कूटी लेके और जैसे कि आपको पता है हम वृंदावन से लौट के आए। लास्ट ब्लॉग आपने मेरा वृंदावन का देखा था, उसके जस्ट बाद ब्लॉग आ गया नैनीताल का, क्योंकि उसके जस्ट अगले दिन हम निकल गए नैनीताल। हमारे फ्रेंड ने हमें बुलाया है, फ्रेंड के जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वो भी दिखाएंगे। अगर इन फ्यूचर आप जाना चाहें, रिजॉर्ट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्रेंड का है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और हम जा रहे हैं नैनीताल, लेट हो रहा है तो चलो निकलते हैं। तो जल्दी से निकलते हैं। और मम्मा कितनी बड़ी हो गई फिर भी मुझे ये आपके रास्ता चुप बोल रही, क्योंकि रास्ते पर घूम कर गई तो हम क्या करेंगे। हम लोग रेडियो के नीचे आ गए थे, मेरे फ्रेंड आ गए हमें लेने के लिए। और एक्चुअली जो रास्ता जाएगा नैनीताल के घर के सामने से ही होके जाएगा, तो अभी वो आए हैं, उनकी फैमिली अभी घर पे ही है तो जाएंगे। उनका सामान वगैरह सब रखा है, उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा था, हमें लेने आ गए, जाएंगे उन्हें पिक करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे सीधा नैनीताल के लिए। अभी तो हमारा प्लान है नैनीताल जाने का। देखिए आगे हम कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत प्लान है कि प्लान तो अभी हमारे पास 3-4 दिन का है, 3-4 दिन की छुट्टी लेके जा रहे हैं नैनीताल जाएंगे। और बहुत सी जगह है, अल्मोड़ा आ गए, बहुत सारी जगह है, देखते हैं हमारा क्या प्लान बनता है। बस अभी तो हम निकल गए हैं नैनीताल के लिए। हम जा रहे हैं नैनीताल। तो अभी हम निकल गए हैं नैनीताल के लिए। मैं नैनीताल बोल रही हूँ क्योंकि हम नैनीताल भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्टे है वो है भीमताल में। जो हमारे साथ फ्रेंड्स जा रहे हैं उनके फ्रेंड का वहाँ पे कॉटेज है, तो वहाँ भी 2 डेज़ के लिए कॉटेज खाली है, तो उधर हम जा रहे हैं स्टे के लिए, फिर उसकी बुकिंग हो जाती है। अगर आप जाना चाहें आप भी बुकिंग करा सकते हैं, क्या प्राइस है, कैसा कॉटेज है, वो आने वाले टाइम पर आप मेरी वीडियो देख लेंगे, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अभी हमने बात की तो हमें पता लगा उधर जागेश्वर धाम है, पाताल भुवनेश्वर है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, भोलू देवता का मंदिर है, तो वो सब आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे पास 3 से 4 दिन है, जितना हो सकेगा एक्सप्लोर करेंगे, नैनीताल भी जाएंगे, तो आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो ये सीरीज़ होने वाली है उत्तराखंड की, इससे पहले आपको बता था हम वृंदावन गए थे, तो आप ये हमारी सीरीज़ पूरी देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन कराएंगे हम आपको। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, हम जहाँ जा रहे हैं भीमताल, भीमताल के आगे कहते हैं 16 से 20 किलोमीटर आगे जाके कैंची धाम है, बाबा नीम करोरी का आश्रम, और वहाँ पे भी हम जाएंगे दर्शन करेंगे। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता रहे आने वाले ब्लॉग में आप क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और बाबा नीम करोरी तो आपको पता है बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जाके, बिल गेट्स, सचिन, विराट कोहली सब वहाँ जा चुके हैं दर्शन करने, तो हम उधर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि ऐसा मौका पता नहीं फिर मिले या ना मिले। और बाबा नीम करोरी का तो आप सबको पता है, सब जानते ही होंगे उनके बारे में, क्या कहूँ। तो आने वाले जो ब्लॉग होंगे बहुत अच्छे होंगे। तुम भी तो बनाती हो। अरे ये देखती है फालतू से उस साथ में। अरे ये कैलेंडर ही मैकडी पे सब लोग बर्गर खाएंगे। Thank you.
नेपाल इन लोगों को घुमाने के लिए नेपाल तो जाएंगे मेरे लिए, राजस्थान भी चलते हैं जैसलमेर वगैरह। अभी हम पहुंचने वाले हैं रामपुर। रामपुर के बाद पड़ेगा मुरादाबाद, फिर उसके बाद पड़ेगा हल्द्वानी। और मैं आपको बता दूं, हल्द्वानी से आप जाएंगे आगे जाके पहाड़ शुरू हो जाते हैं, लास्ट जो पड़ता है वो हल्द्वानी ही पड़ता है। और हल्द्वानी में कहते हैं कि जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं वहाँ से भी पहाड़ दिखाई देते हैं। तो हल्द्वानी में मेन पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, जो आप नैनीताल भीमताल वगैरह जाते हैं मतलब वहीं से रास्ता गया है। तो लास्ट जो पड़ेगा, कहते हैं ना जो समतल एरिया, वो पड़ेगा हल्द्वानी, फिर उसके बाद आगे सारे पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आम के पेड़ पे लगे थे बहुत सारे आम, तो हमने सोचा कि कोई है नहीं तो जाके आम ले लेते हैं। तो गए थे आम लेने और बहुत सारे आम ऑलरेडी नीचे पड़े हुए थे। और देखो कितने सारे, पूरा आम का बाग है। जब आप जाएंगे रास्ते में बहुत सारे बाग मिलते हैं, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं होती, तार वगैरह लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा एंट्री, यहाँ पे खेत के आगे नाला टाइप का बना देते, कोई आईना सड़क से ऐसा कुछ नहीं था, आप इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुक गए और नीचे देखिए कितने सारे आम पड़े हुए हैं, और ऊपर भी पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए हैं। बहुत बड़ा बाग था ये आम का, और बीच बीच पे बहुत सारे बाग मिलते हैं, लेकिन ये जो आम का बाग था ये मैं सबसे अच्छा लगा। इसमें रास्ता भी बहुत आसानी से आप जा सकते थे, रोड के साइड था फिर भी। और ये देखिए कितने सारे आम लेके आए हैं, चुरा के लाए हैं। सामने आम का बाग है, ये गए थे चोरी करने। और फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, और कुछ देर में अभी पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे देखो सामने कितना प्यारा व्यू लग रहा है, दोनों साइड जंगल है और बीच में रोड है। ये पहाड़ आने वाला है, पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पहाड़ देखेंगे। ये पहाड़ को पार बोलती है। बड़ा शीशा बंद कर, आध्या शीशा बंद कर, दोगे मैं एसी चला रखा है अभी भी। जब पहाड़ आएंगे, जब ठंड आएगी तब एसी चला रखा है मैंने, तुरंत उसे खोल रखा। मैं कह रहा गर्म ठंडा क्यों हो रहा है। गाड़ी से पहाड़ की कितनी चढ़ाई है ये मुझे आइडिया नहीं है। गाड़ी से और किसे चढ़ोगे? बेलाडी ऊपर की आप पहुंचने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, हम पहाड़ स्टार्ट हो गई नैनीताल तो हम अभी उत्तराखंड पहुंच गए। पहाड़ वहाड़ दिख रहे होंगे कहीं से? उत्तराखंड ही अंदर है, हम यूपी से उत्तराखंड। हल्द्वानी से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, लगभग आप कह सकते हैं पहाड़ भी स्टार्ट हो गया। उससे पहले हमने लिया है ब्रेक, हम लोग यहाँ पी रहे हैं चाय। जिसको समोसे खाने थे समोसे लिए, और जिसको जलेबी खानी थी उसने जलेबी ली। तो पहले हम अपनी चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। जलेबी खानी है, खा ले समोसा, खाना गरम गरम समोसे निकल ले, खा लो खाने। समोसा ले लो गरम गरम। मैं नहीं खाती जलेबी, मैं भी नहीं खाता भैया, गरम खाएंगे ठंडी है। हल
हल्द्वानी हम पहुंच गए हैं और हम रुक गए हैं हल्द्वानी की मार्केट में। एक्चुअली मुझे लेना था वाइट शूज़ मेरे पास थे दो, जो मैं वृंदावन में थी, बाकी बिहारी से दोनों गायब हो गए और यहाँ एकदम हमें निकलना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो स्लीपर पहन के चलती हूँ, रास्ते से ले लूँगी वाइट शूज़। तो यहाँ पर मुझे ये वाले शूज़ पसंद आए हैं तो मैं ले रही हूँ ये वाले शूज़, फिर हम जाएँगे आगे। अभी मैं राशन का सामान भी लेना है। वैसे मैं आपको बता दूँगा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट ये था कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा खाना हो, कुछ एक्स्ट्रा हमारा मन हो खाने का, तो हम यहाँ से ले जा सकते हैं, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। क्योंकि फिर वो मार्केट नहीं है, जहाँ हमारा कॉटेज है वहाँ 2-3 किलोमीटर आसपास कोई मार्केट नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपको कुछ अपने लिए सामान चाहिए होगा तो आप वहीं से लेकर आना, तो वही हम लेंगे अभी। रुके हैं राशन ले लें, क्योंकि जहाँ हम रुके हैं वहाँ हम खाना पीना बनवा सकते हैं, थूक है तो राशन हम अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ हमने अपना राशन ले लिया, जो भी थोड़ा बहुत हमें लेना था, जो जो हमें पसंद था वो सब हमने ले लिया। अब चलते हैं आगे। आप कह सकते हैं कि लगभग हमने हल्द्वानी क्रॉस कर लिया है, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। वो हल्द्वानी से मेन आपका जो है पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और पहाड़ों पे तो जो पहाड़ों का व्यू होता है वो भी बहुत ही प्यारा होता है। तो आपको भी दिखाते हैं पहाड़ों का व्यू, आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करते हैं साथ में। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो हम घर से टाइम से निकल गए थे लेकिन हम बहुत धीरे धीरे आए हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी कि हमें जल्दी से गाड़ी चला के पहुँच जाना है। तो बड़े ही आराम से रुकते रुकते आए हैं, बच्चे भी साथ में थे तो इसलिए हमें थोड़ा अंधेरा हो गया, नहीं तो हम आराम से 5 बजे तक पहुंच जाते अपने कॉटेज में। और जो हमारे कॉटेज का नाम है चेरीज है, और जो कि भीमताल में है, नैनीताल में नहीं है। पहले हम जाएंगे कॉटेज में रुकेंगे भीमताल में, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे नैनीताल और बहुत सारी जगह, जैसे कि मैंने आपको शुरू शुरू बताया था कैची धाम हो गया, आपका ये पाताल भुवनेश्वर हो गया, ऐसी कई सारी जगह हैं, बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और अभी देखिए रात में हम जा रहे हैं और रात में जो पहाड़ों का व्यू होता है बहुत ही प्यारा लगता है, और जितना प्यारा लगता है उतना ही उन्हें देख के डर भी लगता है, क्योंकि रास्ते तो आपको पता है कैसे होते हैं, कोई हाईवे तो होता नहीं है, 2 लेन तो होती नहीं है, तो डर तो लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करते हैं। तो चलिए आप भी इन्जॉय करिए एक व्यू। ये है रात का पहाड़ों का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे तारे नीचे ही दिखाई दे रहे हैं हमें, मतलब दूर दूर से लाइट चमकती हुई ऐसे लगता है कि तारे चमक रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू आता है ऊपर से। तो यहाँ पे हम पूरा व्यू ले रहे हैं, जो पूरा शहर होता है ना पहाड़ में जो नीचे बसा हुआ होता है, अगर आप ऊपर से खड़े होकर देखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे हमने अपनी कार रोक के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ व्यू इतना प्यारा था तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और हम चलेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने आपको ऑरेंज कलर की लाइट दिख रही होगी, एक्चुअल में हम लाइट नहीं, वो चंद्रमा है। इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर चंद्रमा मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब पहाड़ों पे ऊपर थे ऐसा लग रहा था चंद्रमा नीचे और हम चंद्रमा से ऊपर पहाड़ों पे खड़े हैं। इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मतलब शायद कैमरे में व्यू कैप्चर ना हुआ हो, और मुझे नहीं लगता कैमरे में कैप्चर हुआ होगा इतना प्यारा, क्योंकि कैमरे में थोड़ा अंधेरा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आप रियल में देखते ना तो सच में आप देखते रह जाते हैं। हम स्पेशली ये चांद को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे रुके और आपको दिखा रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमताल, सामने आपको ताल दिखाई भी दे रहा होगा, लाइटें चमक रही होंगी, ये भीमताल है। और नैनीताल में बता दूँ बहुत सारे ताल हैं, नौकुचिया ताल है, 7 ताल है, तो यहाँ बहुत सारे ताल हैं, कहते हैं कि तालों का शहर है नैनीताल। और हम लोग अभी अपने कॉटेज में जाएंगे और यहाँ तक देखिए चंद्रमा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, पीछे मैंने आपको पहाड़ों से इसका व्यू दिखाया था। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने कॉटेज पर, ये सामने आपको दिख रहा होगा हमारा कॉटेज, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी के एकदम एंड में जाके है, पहाड़ पे ऊपर चढ़ के, मतलब इससे ऊपर अब कोई कॉटेज हो ही नहीं सकता, पहाड़ के एकदम एंड पे है। कॉटेज का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा चेरीज हिल व्यू कॉटेज, और सामने आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। और अभी हम चलते हैं कॉटेज के अंदर, फिर देखते हैं कॉटेज में कैसा कॉटेज है। कॉटेज का जो अगर पूरा ब्लॉग आपको चाहिए पूरा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, पूरा कॉटेज का व्यू अंदर से लेकर बाहर तक, क्योंकि रात हो गई है, जितना हो सकेगा मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन दिन में मैं इसका अच्छे से पूरा ब्लॉग बनाऊंगी और आपको पूरा दिखाऊंगी A to Z। ये है पूरा नीचे का व्यू कॉटेज से, अगर आप देखेंगे तो ऐसा व्यू दिखाई देता है रात में। और अभी हम चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, इतना लंबा सफ़र से आए हम लोग, पहले जाएंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे, भैया से चाय वाय के लिए बोलेंगे, चाय पियेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट का आपको जो ब्लॉग है पूरा, सिर्फ अकेला एक ब्लॉग बनाऊंगी सिर्फ रिजॉर्ट का,
अभी आपको ऐसे दिखा देते हैं। रखा हुआ है उधर, रखा अंदर के, अंदर के। ये है विला का हमारे रात का व्यू, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। रात में ही ऐसा दिखाई देता है। अभी हम खड़े हैं बाहर गार्डन में क्योंकि आए थे हम थक गए थे, हमने ऊपर चाय वगैरह पी, उसके बाद हम आ गए हैं नीचे। हवा हमारा डिनर तैयार हो गया। हमने डिनर में बनवाया था अरहर की दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी, और हम सब अभी खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे रूम में, थोड़ी देर आराम करेंगे रेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए अंदर भैया खाना बना रहे हैं, कुछ सामान था कुछ हम ले आए थे। और बाकी अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कल नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाएंगे कैची धाम, कैची धाम के आगे जाएंगे गोली देवता मंदिर, और ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा। वीकली राधे राधे।